डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पिछली वीडियो में हमने फाइनेंशियल मार्केट के कंसेप्ट को डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था कि फ़ाइनेंशियल मार्केट क्या होती है फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं फाइनेंस की सप्लाई साइड में कौन कौन होते हैं और फाइनेंस की डिमांड किस किस एरिया में की जाती है कहाँ कहाँ पर फाइनेंस की डिमांड करी जाती है इसके साथ ही मैंने आपको पिछली वीडियो में फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट भी आपको एक्सप्लेन किया था जिस होपफुली आप सबने वो वीडियो सुनी होगी और आपको वो समझ में भी आई होगी आज की जो ये वीडियो है वो बेसिकली बनाई गई है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को समझने के लिए आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को समझेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट कितनी तरह की होती है और उसमें उसका मतलब क्या होता है उसको हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे समझेंगे और डिस्कस भी करेंगे सो टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इनफैक्ट अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट मे बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स वन इज़ द मनी मार्केट और दूसरा क्या है हमारे पास कैपिटल मार्केट ये डिवीज़न होता किस बेस के ऊपर है सबसे पहले तो एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एक, एक हिंट देता हूँ क्लियर कर देता हूँ कि ये होता कैसे है इनफैक्ट एक टोटल फाइनेंशियल मार्केट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है एक मार्केट वो बना दी गई जहाँ पे केवल वन ईयर तक की सिक्योरिटीज़ जो हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी हम उसको एक नाम देते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जहाँ पे जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को डील किया जाता है एक साल से कम तक की सिक्योरिटी को डील किया जाता है जिस जिन जिन सिक्योरिटीज़ का मेच्योरिटी पीरियड मेच्योरिटी पीरियड एक साल से कम तक का होता है उसको हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बोलते हैं तो जिस मार्केट के अंदर सिर्फ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को डील किया जाता है उसको हमने मनी मार्केट का नाम दे दिया और जहाँ पर एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड जिन सिक्योरिटीज़ का मेच्योरिटी पीरियड एक साल से ज़्यादा का टाइम है उसको नाम हमने क्या दिया कैपिटल मार्केट दे दिया तो होपफुली बड़ा छोटा सा पॉइंट है समझने का बड़ा आ, लाइट सा पॉइंट है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो टाइप की हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है मनी मार्केट के अंदर क्या होगा कि ऐसी मार्केट जहाँ पे एक साल से कम की सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज़ किया जाएगा और कैपिटल मार्केट वो होगी जहाँ पर जो जिन सिक्योरिटीज़ का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो एक साल से ज़्यादा है वो कितना भी हो सकता है वो दो साल तीन साल पाँच साल दस साल बीस साल एनी नंबर ऑफ ईयर्स उसका हो सकता है उस उन सिक्योरिटीज को हम लोग कहाँ करेंगे कैपिटल मार्केट के अंदर डिटेल करेंगे तो आज की वीडियो में थोड़ा सा केवल हम मनी मार्केट को ही डिस्कस करेंगे तो अस ऑग अबाउट द मनी मार्केट इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शंस इन शॉर्ट रन और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड दे आर ऑल्सो कार्ड नियर मनी दी सिक्योरिटीज इंक्लूड चीफ कॉल मनी ट्रेजरी बिल कॉमर्शियल बिल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा मैं फिर एक बार और रिपीट कर देता हूँ फिर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा मैं इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेअर ट्रांजेक्शंस इन शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड दे आर ऑल्सो कार्ड नियर मनी दी सिक्योरिटीज इंक्लूड चीफली कार्ड मनी ट्रेजरी बिल्स कॉमर्शियल बिल्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कॉमर्शियल पेपर एक्सेट्रा जो मनी मार्केट का मीनिंग है उसको जो मैंने आपको अभी स्टेटमेंट रीड करी है उसका सिंपल सा मीनिंग निकलता है कि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर ऐसी सिक्योरिटीज़ को डील किया जाता है जिन सिक्योरिटी का मेच्योरिटी पीरियड एक साल से कम टाइम का है और बेसिकली हम इनको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ बोलते हैं इसीलिए इसको नियर मनी भी बोला जाता है क्योंकि जो जो इनका सिक्योरिटीज़ का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो बहुत थोड़ा भी हो सकता है वो दस दिन पंद्रह दिन भी हो सकता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक साल से ऊपर होगा ही नहीं मतलब लेस देन दैन ईयर रहेगा इसलिए हम नियर मनी भी नियर मनी भी बोल देते हैं और जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो इसके पार्ट्स हैं जो इसमें डील करती है मनी मार्केट उसमें जो डील करे जाते हैं सिक्योरिटीज़ वो हैं ट्रेजरी बिल कमर्शियल बिल सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट्स कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा ही डील किए जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बनाएंगे जिसमें आपको इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा लेटेस्ट टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ फीचर और यू कैन से द नेचर ऑफ मनी मार्केट सबसे पहले बढ़िया नेचर जो इसकी है वो है मनी मार्केट की वो है मोर लिक्विडिटी वेरी वेरी गुड फीचर्स जिसकी वजह से इस मार्केट मनी मार्केट को हर कोई लाइक like करता है और इसमें डीलिंग भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती है द वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मनी मार्केट इज़ मोर लिक्विडिटी इन द ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज इन दिस मार्केट देर इज़ ए फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रिएटिंग लिक्विडिटी सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी है बड़ी फास्ट लिक्विड जो बड़ी अच्छी लिक्विड सिक्योरिटी की जो ट्रांजेक्शन है उसमें लिक्विडिटी मिलती है अगर किसी ने मान लीजिए मैंने कोई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी खरीदी है और अर्जेंटली मुझे दो दिन के बाद ही पैसे की जरूरत है तो मैं उन सिक्योरिटीज को बड़े आराम से किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करके अपने पैसे के अरेंजमेंट कर सकता हूँ तो इसके क्या बोलते हैं हम लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब ये होता है दैट इज़ वैन वी कैन कन्वर्ट अवर सिक्योरिटीज इन कैश जब हम अपनी सिक्योरिटीज को बड़े थोड़े टाइम के, के अंदर ही कैश के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं लिक्विडिटी दूसरा पॉइंट है लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट ये बहुत बड़े फीचर है कि इस तरह की मनी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने के लिए हमें किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ती वी नेवर नीड ए ब्रोकर हम इन ट्रांजेक्शन को ओनली विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन टेलीफोनिकली कॉल्स की हेल्प से भी हम लोग इस तरह के ट्रांजेक्शन मनी मार्केट के अंदर कर सकते हैं इनकी सेल परचेज कर सकते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंस क्या है वो मिनिमम टू मिनिमम है थर्ड पॉइंट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स इनफैक्ट दिस मार्केट डील्स इन दोज फाइनेंशियल एसेट्स व्हिच हैव द मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड ऑफ वन ईयर इसके अंदर क्या है इस तरह की मार्केट के अंदर मनी मार्केट के अंदर बेसिकली उन फाइनेंशियल एसेट्स को डील किया जाता है जिनका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन वन ईयर वन ईयर से पहले पहले का होगा पहले ही एक साल से पहले ही वो सिक्योरिटीज़ क्या होंगी कैश के अंदर या आप कह सकते हो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी द फोर्थ पॉइंट इज द स्पीडी ट्रांजेक्शन

ट्रांजेक्शन्स हैं वो टेलीफोनिकली हो जाती हैं और पेपर वर्क बाद में होता रहता है लेकिन ट्रांजेक्शन जो है वो हो जाती है ओनली हेल्प ऑफ टेलीफोन सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करके भी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया जा सकता है स्टार्टअप हो जाता है और पेपर फॉर्मेलिटी लेटर आराम से कर ली जाती है तो ये मतलब क्या कहने का है कि यहाँ पर जो है एक ट्रांजेक्शन जो है उनकी नेचर जो है स्पीड है टाइम ज़्यादा नहीं लगता होपफुली द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मार्केट इज कम्प्लीट टू यू इससे नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जो मनी मार्केट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स डील किए जाते हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको इसमें बताया था कि जो मनी मार्केट के कंपोनेंट्स हैं या मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है ट्रेजरी बिल कॉमर्शियल पेपर इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आज के लिए यहीं तक एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू